शाहरुख खान की नेक्स्ट पिक्चर जवान का टीजर ट्रेलर प्रीव्यू आ चुका है। प्रीव्यू क्या होता है? ट्रेलर का ही एक और फैंसी नाम। बोलने के लिए इसको कुछ भी बुला सकते हैं, लेकिन जो दिखाया है ना, उसका फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि क्या है ये। तुम में से वो लोग जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है पिक्चर के बारे में, वो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि चल क्या रहा है। और पहली बार देखते वक्त मैं भी ये सोच रहा था कि कहीं 1.25x स्पीड में तो नहीं देख रहा, थोड़ा फास्ट लग रहा है, क्योंकि इस प्रीव्यू में कट्स इतने छोटे छोटे मार दिए ना कि अगर तुम ब्लिंक कर दोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। फिर भी ओवरऑल ये टीजर प्रीव्यू एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही छोड़ देता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही हैं और इतने सारे शॉट्स अपने को पिक्चर के दिखा दिए, फिर भी क्लियर नहीं कि पिक्चर किस बारे में होने वाली है। लेकिन एक चीज जो कि ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है कि शाहरुख खान में भी एक एंटी हीरो प्ले करेंगे इसमें। सबसे बड़ा ऑब्वियस रीजन तो डायलॉग है कि जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं पाता। भाईजान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होने वाला है उसके बारे में ये चीज क्लियर होने के बाद भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लुक्स दिखा दिए उनके। एक टाइम पे लग रहा है कि वो पुलिस वाले हैं, एक टाइम पे लग रहा है कि मिलिट्री वाले हैं। आधा वाला जो मास्क पहना है उसको देखकर पहले तो क्रिश की याद आ गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी किया, लेकिन याद जरूर आ गई। फिर किसी ने पॉइंट किया कि भाई ये तो अपरिचित जैसा दिख रहा है, एंड नाउ मैं अनसी नहीं कर सकता उसको। काफी सारे रूमर्स ऐसे भी चल रहे थे कि मे बी शाहरुख खान बॉल्ड होंगे पिक्चर के अंदर, जिसको कंफर्म कर दिया। और वो बॉल्ड वाला लुक इज डेफिनेटली समथिंग। यहाँ पे टैटू में कुछ तो लिखा है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा एकदम 4K में देखने के बाद भी, लेकिन माँ बाप की दुआ हो सकती है क्या? नहीं, मैं खुद अपनी बात को रिजेक्ट करता हूँ। अभी लेकिन चीजें खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका एक और लुक दिखा जिसके अंदर वो पूरे ही कवर्ड है एकदम विजिलेंट सुपर हीरो की तरह। तो क्या मतलब पहले वो आधा मास्क होगा, फिर शायद कुछ इंजरी होने के बाद बाल छिलवा लिया और पट्टी बांध ली, फिर उसके बाद और कुछ गलत हो गया तो फिर पूरी बॉडी पट्टी में। लेकिन एक चीज जो कि तुमको शायद नहीं पता होगी कि इस पिक्चर के अंदर उनका डबल रोल होने वाला है। एकदम ऐसा 100% कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाले रूमर्स है। और इस प्रीव्यू से एक और आइडिया मिल रहा है कि शायद ओवरऑल पिक्चर किसी एक हाइस्ट के ऊपर हो सकती है। रॉकेट साइंस नहीं लगाए, अपने सामने मेट्रो हाईजैक कर ली, बस उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली वाली ना हो, पहले से ही उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक रोल जो शाहरुख खान का है वो रियली में एंटी हीरो हो, गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर कोई एक डीलर क्रिमिनल है उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है। ऑब्वियस सा डायलॉग है ना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, तुम खुद से पूछना। ऑडियंस के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी, क्योंकि वो भी हम ही है, मतलब ऐसा उनका कहना है कि मैं भी आप ही हूँ। तो एक वो कॉमन मैन जस्टिस वाली जो बात है, सोसाइटी के अंदर कुछ बुरे लोग हैं जिनसे लड़ने के लिए वो भी थोड़ा बहुत बुरा काम करता है, लेकिन इतना बुरा नहीं कि तुम टोटली हेट करो। आइडिया मेरे को कहां से मिला? इस टीजर ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अ मैन सेट टू रेक्टिफाई द रॉन्ग्स इन सोसाइटी। तो हाँ, सोसाइटी को आईना दिखाने के लिए वो कुछ बुरी चीजें जरूर करेगा, लेकिन वो देखकर तुमको और हमको मजा आएगा, बिकॉज इट लुक्स डैम कूल। लेकिन SRK के अलावा बाकी कास्ट है, नयनतारा जो कि पुलिस ऑफिसर होंगी, विजय सेतुपति मेन विलन, ऐसे रूमर्स है, दीपिका पादुकोण का स्पेशल अपीयरेंस होगा ऐसा बोला जा रहा है, जो कि पंजाब में जाके कुश्ती लड़ रही है, वो भी बारिश में। मुझे कैसे पता? क्योंकि पीछे वाले पोस्टर पंजाबी में है, ये पंजाबी है ना। मूवी का प्रीव्यू था तो स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बताया, बट टेंशन मतलब अभी 2 महीने पिक्चर को रिलीज होने में, मतलब एक और ट्रेलर निकालेंगे या फिर उसके लिए भी कोई नया वर्ड। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उस वाले में इसकी स्टोरी के बारे में और हिंट मिल जाएगी। बट एक चीज जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, यूजुअली ट्रेलर्स को 1080p में डाल के छोड़ देते हैं, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट मारा तो 4K में दिखता है, ये अपने को 4K HDR में दिखा, जिसको मैंने अपने HDR डिस्प्ले में देखा तो भाई क्या दिख रहा है। जो शॉर्ट्स अच्छे दिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, बस मेरा पास वाला थिएटर सपोर्ट कर दे। अगली चीज जो कि और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि टीजर प्रीव्यू के एकदम एंड में जो गाना गाया जा रहा है, बेकरार करके हमको यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, ये विलन या फिर पुलिस वाले जो उस टाइम पे पकड़ने आए हैं उनके पीछे आग लगाने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, हो सकता है। लेकिन इससे आइडिया मिलता है कि जो टकला कैरेक्टर होने वाला है शाहरुख खान का, वो काफी प्लेफुल होगा। पैसेंजर्स जिनको हॉस्टेज बनाया उनकी फट रही है, लेकिन यहाँ पे इनको डांस करना है। लेकिन अगर तुमको डांस नहीं करना, पिक्चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुए, शूटिंग कैसी हुई, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, चेक कर सकते हो। वीडियो में मजा आया तो फिर सब्सक्राइब। तुम्हारे ओपिनियंस कमेंट्स में, मिलता हूँ अगली वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।